हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं एक ट्रिप पे जा रही हूँ, कौशल पल्ली रिसोर्ट नाम से है। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए और ये अभी सामान निकालेगा वंश। ए देखिए, मेरा जूता है गाइस। कपड़ा का है? मेरा लगेज। देखिए लगेज, ट्रैकिंग पे जा रहा है ये इंसान, ट्रैकिंग पे जा रहा है। वो फ्लाइट वाले बंदे अलग इनका कॉन्सेप्ट है। देखिए बस थोड़ा सा सूटकेस है, दहेज में जो मिलता है, दहेज में मिलने वाला। ये गाना गाते हुए पूरा फुल फॉर्म फाइनली उतर गए, सक्सेसफुली लैंडेड। देखिए सब व्लॉग कर रहे हैं। आएगा कौन सा फ्लाई ओवर? दो फ्लाई ओवर है, एक ये और एक फ्लाई ओवर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आपको ले जा रहा है। ये देखिए पुरुलिया लिखा है। तो यहाँ पे रिजॉर्ट की तरफ से हमें पिकअप करने आए हैं। एंड यहाँ पे जो लगेज है, ये हमारा जो गाड़ी है वो छूट चुका है। सामने प्यार प्यार सुअर जाना है, गाड़ी क्योंकि जल्दी जाना है। 2 घंटे के सफर में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे का सफर किया है, आगे देखते हैं 1 घंटा और लगेगा गाड़ी में। गाड़ी से डायरेक्ट रिजॉर्ट पहुँचने के लिए पहुँच गए। ये देखिए सस्ता होती है, जिनका बजट कम है वो यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए, ये पुरुलिया के रोड्स, मतलब ये जा रहे हैं अयोध्या हिल्स के तरफ, हिल टॉप पे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तुमको नाश्ता मिलेगा भी नहीं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए कुशल पल्ली। तो गाइज, यहाँ आते साथ ही मेरी मुलाकात हो गई मेरे एक ब्लॉगर फ्रेंड से, जो कोलकाता से है और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है राइड एंड बाइट। इनको मैं तब से जानती हूँ जब इनके फॉलोअर्स 10K थे और अब इनके फॉलोअर्स है 130K अबव। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। सो जब तक हमारा लगेज आता है, जल्दी से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ वैरायटीज ऑफ ऑप्शन होते हैं, पर हमारे आते आते आज हमारे लिए बस कुछ ही ऑप्शन बचे थे। ये आ गए हैं, ये है मेरा रूम और मैं पहले ही आ चुकी हूँ, इसीलिए सामान सब यहीं पे। और ये रहा 3 डेज, मतलब 3 दिन मैं यहीं पे रहूँगी। एंड ये यहाँ पे है बेड, यहाँ पे है एक चेयर और एक टेबल, वहाँ साइड टेबल है, ये बेड है, ये टेबल है, ये टीवी है। और यहाँ पे जैसे दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। एंड ये मिरर है। यहाँ पे है कबर्ड्स, कबर्ड्स में कुछ है नहीं ऑब्वियसली, कपड़ा भर के तो नहीं देगा। ओ लॉकर भी है, ये भी एक है, अंदर छाता भी है। बाथरूम, सो बाथरूम कुछ इस तरह से है बाथरूम। और ये देखो, ये है असली जगह। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफी 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 ज्यादा प्रिटी है। ये मेरा पड़ोसी है, तो बुलाते हैं, नहीं खोलेगा इस छोड़ दिए। और यहाँ से कुछ ऐसा है, तो ये काफी सुंदर है। हमारा किस्मत इतना खराब है कि हमारा लगेज ही नहीं आया अभी तक, बता ऐसा किस्मत हो सकता है? ये देखिए सब ऐसे ही बैठे हैं।
गाइस अभी लंच का टाइम है तो लंच कर लेते हैं। फूल काफी फिलहाल तो टेंट कर रही तो गाइस ये लंच टाइम पे ये देखिए ये हमारा लंच का प्लेट है, ये वंश का और वहाँ अंकित बैठा है। तो गाइस अभी फाइनली लगेज आया है और मैं रेडी होके जा रही हूँ फूल पार्टी के लिए, जो कि क्वाइट बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, बट स्टिल कोई बात नहीं, एंजॉय का बात है, जरूर करेंगे एंजॉय। तो गाइस अभी मैं फूल पार्टी में आई हूँ, काफी लेट होने के बाद सुंदर जगह है और शाम के इतना सुंदर जगह पे गरम गरम चाय तो बनता है ऐसे ठंडे ठंडे माहौल में, तो चाय पीते हैं। तो गाइस ये वाला है लाइब्रेरी, ये देखिए ये सारे बनवा तो हमने लिया है, अब इसको ट्राई करते हैं। गाइस अभी बंजारा नाइट है एंड मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ जो रह रही है वो भी रेडी हो ही रही है एंड अभी चलते हैं वहाँ पे बंजारा नाइट में, तो बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और हाँ ये मेरा न्यू फोन है। म्यूजिक फाउंटेन है, वहाँ म्यूजिक बज रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जिस जिस तरह से म्यूजिक बजेगा ये फाउंटेन में से चेंज होएगा। ये रहा जहाँ पे अभी हो रहा है, बीच लगोन बोलते हैं इसको और ये काफी सुंदर है। ज्यादा भीड़ है तंदूर वाले सेक्शन में और पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं। दादा इधर आ, इधर आ, इधर आ। कद्दू कट रहा है लेकिन हमें ही नहीं बट रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर अंकित, व्हाट इज दिस बिहेवियर?
ये देखिए गाइस, ये लड़का कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, कितना तो गाइस और लेने जा रहे हैं। मेरा फेवरेट कैसा होता है डे 2 का एक्सपीरियंस। डे 1 का मस्त था, बाय।